साइकिल से लगता है कि समय नहीं हुआ था, उस समय से पहले इसको बाहर खींच के निकाल दिया गया है। जो पोस्टर स्लाइड कर रहा है, यही आपको अगर हम बोल देते हैं तो अश्लील लग जाता, गाली लग जाता। पोस्टर जो नीचे में देख रहे हैं, ये एक वैसे मनहूस प्राणी का है जो लोग दुआ करके इसको बचा दिए। भगवान इसको बहुत जल्दी अपने पास बुला रहे थे कोरोना टाइम में, लेकिन दुआ कुछ कर दिया। अच्छे आदमियों का मदद इस पे काम आया, आई साला बच गया। आवाज हालांकि वो लोग भी अफसोस कर रहे होंगे कि काश गुजर गया होता। अभी इसका गाना आया है, इतना गंदा गाना आया है कि मतलब फैमिली उसको तो फैमिली उच्चारण ही नहीं कर सकते यार। मतलब अगर सुन भी लेंगे ना तो कान से खून आ जाएगा। किसी भी चीज का विरोध करने का एक तरीका होता है, जैसे इसका गाना में ही कहना था कि मतलब पढ़बे लिखबे ना तो हम ही चल जाएबे यही ले लेबे। अरे भैया बातचीत हमने आपस में बात करा है तो तू गाना में परोस दे भैया। बिल्कुल ना, गजब हाल है। अरे हर चीज का लेवल एक अलग होता है। आई साला हरामी आके ही कह रहा था कि मगैया जवान ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, उसको नहीं करना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए, जेल जाना चाहिए। अब चंद बेवड़े का हम नाम भी नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि ये बेवड़ा प्रजाति का है। एक नाम भी लेंगे ना तो उकर गाना जितना नहीं चला, हो सकता है लोग हमारे जाके उतना देख लें। बिल्कुल, प्लीज आप सब देखने का काम मत कीजिएगा। अगर भाई आपका स्क्रीन पे कुछ बताता है तो कहीं ना कहीं उसमें साक्ष्य रहता है, आपको दिखाने की कोशिश किया जाता है कि देखिए इस तरह से हमारे समाज में घटना घटित हो रही है। बाकी विचार कीजिए थोड़ा सा कि अगर इस प्रकार के लोग अगर मिले कहीं तो क्या इसको कुत्ते तरह दौड़ा दौड़ा के मारने में कोई हर्जा है का? बिल्कुल हर्जा नहीं है। अगर हर्जा है तो बताइए। YouTube हर कोई चलाता है, और अगर आप YouTube का एल्गोरिथम जानते हैं तो एक गाना अगर भोजपुरी आप सुन रहे हैं ना तो ऑटोमेटिक नीचे दूसरा गाना आके और ऊपर आके बजने लगता है। अगर सपोज नहीं पता है, घर के सामने अगर सुन रहे हैं और इसका गाना बजने लगा तो हालांकि देखिए क्या है ना कि शक्ल से ही लगता है, पता नहीं वो घोड़े का उस शक्ल से लगता है कि समय नहीं हुआ था, उस समय से पहले इसको बाहर खींच के निकाल दिया गया है। मतलब मूर्खता, ये सब कहेंगे कोई ठेकेदार कोई दलाल कह देंगे कोठे पर का, तो इसको तकलीफ हो जाएगा। समझे कि नहीं? क्योंकि जिस गाने को गाया है इसी गाने को इसी के बहन के सामने कहा जाए कि लग जाता हो। और इसमें देखिए ना, ये गाना में जानते हैं 4-5 लड़कियों भी काम किए हैं इसमें। यार लड़की देखिए, यार लड़की धंधा वाला लड़कियों का क्या काम है बताओ। और लड़की भी इंटरव्यू में क्या कह रही है जानते हैं? हाँ। कि गाना पूरा जब सुनिएगा ना हाँ। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अरे गाना क्या समझेगा? देखिए यार हम लोग के अपने मुहिम में जैसे हम लोग टॉर्चर करते हैं करेंगे भाई। धंधे वाले लड़कियों को कोई इज्जत नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक बात तो हमको बताओ, सब लड़कियां ऐसे करेगी क्या? एकदम नहीं करेगी, एकदम नहीं करेगी। तुम ऐसे करके दिखा रहे हो और इस प्रकार के गाना गा रहे हो, उसको धंधा नहीं वाला नहीं, नचनिया नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अरे दुख देखिए, हम बताएं आपको, दुख है कि साला इतना गंदा गंदा गाना ये सब बेवड़ान गाता भी है, और अगर हम नहीं दो शब्द इसके बारे में कुछ उसी प्रकार से रिप्लाई कर दें तो फट के चार गो हो जाता है। चार गो होने हर इंटरव्यू में नाम ले लेके चिल्लाए लगेगा। देखो यार, अब देखो इंटरव्यू नाम पे हम लोग के चर्चा ना करना है क्योंकि अब इन लोग के पास कोई चारा नहीं है। चारा नहीं, क्योंकि इसके पापा से ही बड़ा पापा वाला नाम हमारा हो गया है। आज लेकिन सच्चाई है, आज आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। 10 दिन से इतना बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी कभी हुआ था क्या? कभी नहीं इतिहास में, बताओ भोजपुरी में नहीं ना। लेकिन 10 दिन से लगातार अगर मगहिया जवान का ही चर्चा चल रहा है, नाम चल रहा है, तो सीधी सी बात है लोग नाम भी तो लेगा ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल, व्यू बढ़ेगा, चर्चा, आलोचना भी उसी का होता है जो उसके लायक हो, और हम इससे कोई वो द्वेष नहीं रखते हैं। नहीं रखते हैं, कीजिए आलोचना। बाकी बहुत जल्द आएंगे वो चंद 2 कौड़ी के फेसबुकिया माइक वाले के लिए भी। बाकी विदा लेना चाहेंगे, गाने को जाइएगा नहीं, जाते जाते फिर से कह रहे हैं बिल्कुल नहीं जाकर देखिए क्योंकि देखने लायक ही नहीं है। बिल्कुल, नमस्कार, प्रणाम, जय मगध, जय बिहार।